नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है स्त्री पर। पांडव महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने जब उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने युधिष्ठिर को अपनी छाती से लगा लिया। युधिष्ठिर के बाद वो भीम को ढूंढने लगे अपनी छाती से लगाने के लिए, लेकिन उनकी आंखों के जो भाव थे, अंध हैं वो किसी की आंखों के भाव समझे ना समझे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी आंखों के भाव को समझ जाते हैं। और भीमसेन के स्थान पे भीमसेन की जो लोहे की प्रतिमा दुर्योधन ने गदा युद्ध की प्रैक्टिस के लिए बनवाई थी, उस प्रतिमा को आगे कर देते हैं। भीम को मारने के संकल्प के साथ धृतराष्ट्र उस लोहे की प्रतिमा को अपनी छाती से लगा के इतनी जोर से दबाते हैं, तम गृहीत्वैव पाणिभ्याम भीमसेन मयस्कर, भीमसेन की लोहे की प्रतिमा को अपने हाथों में जकड़ के बभंज बलवान राजा मन्यमानो प्रकोदरम, उसको भीम मान करके और दबा करके चकनाचूर कर देते हैं। वो लोहे की प्रतिमा वहां चकनाचूर हो गई है। देखिए, धृतराष्ट्र में अपने समय में सबसे अधिक शक्ति थी, सबसे शक्तिशाली ये योद्धा थे, ताकत थी, अंध थे, इसलिए ये सारी बात बदल गई। अब छाती से जब आप एक लोहे की प्रतिमा को दबा करके चकनाचूर कर देंगे तो ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे में धृतराष्ट्र भी घायल हुए हैं, उनकी छाती में बहुत पीड़ा हुई है, मुंह से खून निकलने लग गया है, नीचे पृथ्वी पे गिर जाते हैं। अब ये सारा दृश्य संजय वहां देख रहे हैं। तब संजय उनसे कहते कि महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब धृतराष्ट्र कि मैंने भीम को मार दिया है, यह सोच करके भीम भीम कह करके हा हा भीमे चुक्रो से नृपाह कोश समन्विता, दुख से व्याकुल होकर के भीम के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे आपकी ये मनसा अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए भीम को कुछ नहीं हुआ है, वो तो उसकी लोहे की प्रतिमा आपके सम्मुख रख दी थी, भीम ये अभी भी जिंदा है। अब तो धृतराष्ट्र दोबारा तो ये कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध में आवेग में आकर के व्यक्ति जो कुछ कर दे वो बड़े से बड़ा कार्य हो सकता है। इसके बाद सभी पांडवों से उनका मिलन हुआ है। इधर धृतराष्ट्र पांडवों से मिलके बड़ा विलाप करते हैं। तब श्री कृष्ण उनको फटकार लगाते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही करा धरा है, ये जो कुछ हुआ है उसके कारण तुम हो, उसके निमित्त तुम हो, और हमेशा दूसरों के ऊपर आपने इस आरोप को डाल दिया। कभी आप इसके लिए भीम को दोषी मानेंगे, कभी आप इसके लिए युधिष्ठिर को दोषी मानेंगे, कभी आप इसके लिए दुर्योधन को दोषी मानेंगे, आप औरों को दोषी मानेंगे, लेकिन जो आपके करने का कार्य था वो आपने नहीं किया है, इसलिए आज आप जिस शोक के सागर में डूब रहे हैं इसके कारण आप ही हैं। तो इस प्रकार से आत्मनो अतिक्रमम पश्य पुत्र से चा दुरात्मना यदनागसि पांडूनां परित्याग त्वया कृतम्। अरे जब इन पांडवों ने कोई अपराध नहीं किया था तब तुमने अपने पुत्र के साथ मिलकर के इनकी अवमानना करके जिस प्रकार से इनको निकाल दिया था ये योग्य कार्य था, और अब ये जब कुछ हुआ है तो आप इसके लिए इतना विलाप किस चीज के लिए कर रहे हैं? आपको मैंने पहले ही ये सब बता दिया था कि परिणाम यही होने वाला है। तब धृतराष्ट्र शांत हुए हैं। उसके बाद सभी पांडव माता गांधारी के पास पहुंचते हैं। गांधारी के मन में अत्यंत क्रोध है, वो पांडवों को शाप दे दे ऐसी स्थिति है। तभी महर्षि वेदव्यास उनसे आकर के कहते हैं, न कोपः पांडवे कार्या, पहले श्री कृष्ण ये बात समझा के गए थे, लेकिन क्रोध का आवेग और शोक का जो पहाड़ है उसके नीचे जब व्यक्ति दब जाता है ना, तो उसको ये मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। क्रोधात् भवत् सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति ब्रह्मा। तो बिल्कुल गांधारी शाप देने की स्थिति में थी। तभी महर्षि वेदव्यास आकर के उनको समझाते हैं कि भाई, आपने जब जब जो जो कहा है, इन पांडवों ने तुम्हारी हर आज्ञा का पालन किया है, तुम्हारे पुत्र ने ही तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ है। तो इसके लिए आप पांडवों को दंड नहीं दे सकते हैं, आप पांडवों को शाप नहीं दे सकते हैं। तब गांधारी उनसे कहती है कि आपने बड़े समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी, वास्तव में जो स्थिति मेरी है, किसी ना किसी रूप में यह स्थिति कुंती द्रौपदी सुभद्रा सभी की यही स्थिति है, तो मैं किस चीज के लिए क्रोध कर रही हूं? फिर तो भीमसेन जो हैं
गांधारी से क्षमा याचना करते हैं। गांधारी ने बहुत कहा है, तुम मेरे 100 में से एकाध बेटे को भी नहीं छोड़ सकते थे। यानी मेरे पास 100 लकड़ियां थी जिनका सहारा मैं ले सकती थी, अरे तुम 99 को मार देते, किसी एक को तो तुम निरपराध मान के कि इसने कोई अपराध नहीं किया, किसी एक को तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। लेकिन भीम बार बार उनसे क्षमा याचना करते हैं। युधिष्ठिर अपना अपराध स्वीकार करते हैं, अपनी पट्टी के अंदर से ही क्रोध में वसीभूत वो गांधारी जब देखती है युधिष्ठिर के पैर के नाखूनों की तरफ, तो युधिष्ठिर के पैर के सारे नाखून एकदम से काले हो जाते हैं। इस दृश्य को देख करके अर्जुन तो सीधा कृष्ण के पीछे जाकर के छुप गए कि ये कितना तेज है, कितना बल है, कितना सतीत्व है गांधारी के अंदर। फिर तो गांधारी श्री कृष्ण को देख करके और बड़ा विलाप करती हैं। गांधारी विलाप करती हैं, द्रौपदी भी विलाप करती हैं। उत्तरा के विलाप की दो पंक्तियां अगर आपके सम्मुख नहीं प्रस्तुत करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उत्तरा अभिमन्यु को याद करके कहती है कि सिर्फ 6 महीने का हमारा आपका साथ रहा, 6 महीने में ही आपने मेरा साथ छोड़ दिया और आप वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से सभी स्त्रियों ने विलाप किया है। गांधारी एक एक का विलाप यहां श्री कृष्ण को दिखा रही है कि देखो कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। ये जो कुछ हुआ है इसका निमित्त गांधारी पांडवों को नहीं मानती है, इसका निमित्त गांधारी कौरवों को नहीं मानती है, इसका निमित्त गांधारी श्री कृष्ण को मानती है। फिर तो वो एक एक का विलाप दिखाती है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से द्रौपदी रो रही है, किस प्रकार से ये दुर्योधन की पुत्रवधुएं रो रही हैं, किस प्रकार से ये दुश्शला रो रही है, किस प्रकार से ये उत्तरा रो रही है, किस प्रकार से ये सुभद्रा रो रही है, और इन सब के रोने के पीछे कहीं ना कहीं कृष्ण तुम कारण। इस प्रकार से गांधारी ने एक एक का विलाप कृष्ण को दिखाया है और उसके साथ साथ स्वयं रोती जा रही है और कृष्ण को सब कुछ दिखाती जा रही है। यहां रोते रोते गांधारी कृष्ण को उन योद्धाओं की पत्नियां भी दिखाती हैं जिन्होंने सारा जीवन योद्धाओं के साथ गुजारा है, चाहे वो कर्ण की पत्नी हो, चाहे वो भूरिश्रवा की पत्नी हो, और उन अबोध बालक जैसी या जिनकी पत्नियों ने अभी जीवन का कोई सुख ही प्राप्त नहीं किया, चाहे वो लक्ष्मण की पत्नी हो, चाहे काम्बोज देश के राजकुमार सुदक्षिण की पत्नी हो या अभिमन्यु की पत्नी हो, उन सब का भी रुदन दिखाते हैं। देखिए अभी तक ये युद्ध था तो 2 पक्ष थे, लेकिन अब इस रणभूमि में जब योद्धा मरे पड़े हैं तो न तो कौरव कुल की स्त्रियां अलग हैं, न पांडव कुल की स्त्रियां अलग हैं, सभी एक साथ रो रही हैं क्योंकि सभी एक दूसरे के संबंधी थे। अंत में जब उसका रोना पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है, जब उसके आंसू सूखने लग जाते हैं, जब इस युद्ध की पूरी विभीषिका वो श्री कृष्ण को दिखा देती है, उसके बाद गांधारी को इतना क्रोध कृष्ण के ऊपर आता है, वो कहती है कि पांडवा धार्त राष्ट्राचे दग्धा कृष्ण परस्परम। अरे कृष्ण, तुम्हारे देखते देखते तुम समर्थ थे इन लोगों को रोकने में, फिर भी तुमने नहीं रोका। उपेक्षिता विनश्यंतम त्वया कस्मात् जनार्दने, तुमने इनका विनाश होते हुए भी इनकी उपेक्षा की है। जिस प्रकार से ये कौरव और पांडव आपस में लड़के झगड़ के समाप्त हो गए हैं, मैं तुम्हें शाप देती हूं, त्वम उपस्थिते वर्षे 63 मधुसूदन, आज के 36 वर्ष बाद हत ज्ञातिर हता मात्यो हत पुत्रो बने चला। तुम्हारे सारे मंत्री, सारे बंधु, सारे बांधव, सारे पुत्र, सारे पौत्र सभी मारे जाएंगे और वन में आप बिल्कुल अनाथ की तरह, जिसकी मृत्यु की कल्पना नहीं की जा सकती है, इस प्रकार कुत्सिते ने अभ्युपाये ने निधनम समावाप्स्यसि, कुत्सित तरीके से तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार से गांधारी ने श्री कृष्ण को साप दिया है। तब हंसते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पहले से ही ये पता है कि
कि जो वृष्णि वंश है ना, दैवा देव विनश्यंती वृष्णयो नात्र संशया, दैव योग से इसी प्रकार से बने। ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के संदर्भ में कहता हूं, वही बात मैं कृष्ण और उनके पुत्रों के संदर्भ में कहता हूं। कृष्ण के वंश में इनके जितनी संतानें हैं, इन्हें संस्कार तो दिए गए हैं, लेकिन सभी उत्तम संस्कारों से सिंचित नहीं हुए हैं, क्योंकि बलराम का उनको एक आश्रय प्राप्त था, उग्रसेन का उनको आश्रय प्राप्त था, इसलिए कृष्ण की मन की बात हमेशा हो पाई हो ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए उनके अंदर भी वो उद्दंडता, वो जो नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आई हैं, और इन सब चीजों का परिणाम हमेशा इसी प्रकार से होता है, जो वहां पे हुआ वही यहां पे होगा। और कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हाँ ये बात मुझे पता है कि अवश्य ही ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने वहां पे वर्णन किया है कि इस युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं, इसके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता हैं। एक अनुस्मृति नाम की विद्या है, उस विद्या का प्रयोग करके उन्होंने इस युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसके बारे में बताया है। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि आपको ये सारी चीजें कैसे पता हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो ये भी पता है कि इनमें किन को वीर गति प्राप्त हुई, कौन गंधर्व लोग गए हैं, कौन किस लोग को गए हैं, क्योंकि जब मैं आपकी कृपा से वनवास में था तो लोमस ऋषि से वहां पे समागम हुआ, और लोमस ऋषि ने जब मुझे ये विद्या सिखाई, उस विद्या के अनुसार ये सारी बातें मुझे मालूम है। तो ये एक अनुस्मृति नाम की जो विद्या है, ये विशिष्ट विद्या है, आज इसकी खोज करनी चाहिए। इसके बाद सभी लोगों ने जल में उतर के और अपने अपने सगे संबंधियों को जलांजलि दी है, और तब कुंती ने ये कहा है कि कर्ण जो है मेरा सबसे बड़ा पुत्र था। ये बात सुनकर के युधिष्ठिर को बहुत पीड़ा हुई है, सभी पांडव बहुत व्यथित हुए हैं कि उन्होंने अपने ही भाई को मार दिया है, और इसके लिए स्त्रियों को ये श्राप दिया कि उनके पेट में कोई भी बात नहीं रहेगी। इस कथा को आगे हम अगले अध्याय में और अगले वीडियो में विस्तार से सुनेंगे। यहां आकर के स्त्री पर्व पूर्ण होता है। महाभारत की ये कथा अब शांति पर्व में जाएगी, अब युद्ध नहीं है, अब युद्ध की विभीषिका नहीं है, अब युद्ध की तैयारियां नहीं है, लेकिन युद्ध के बाद की शांति किस प्रकार की होती है और उसके बाद का वातावरण कैसा होता है, ये कुछ जानने के लिए सुनते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।